नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हाउ टू लर्न एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल। जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो। घर में हर तरह की प्रगति के लिए व समृद्धि के लिए प्रतिदिन पूजा पाठ की जाती है। धर्म ग्रंथों व शास्त्रों में बहुत से छोटे छोटे उपाय बताए हैं जिनका बहुत बड़ा महत्व है। यदि इनका सही तरीके से पालन किया जाए तो व्यक्ति की जिंदगी बदलते देर नहीं लगती। लेकर आए हैं, शाम के समय काले कुत्ते को पिला दे सिर्फ ये एक छोटी सी चीज, इतना आएगा पैसा कि संभाल नहीं पाओ। जय जय शनिदेव। दोस्तों शनिदेव हिंदू धर्म में पूजे जाने वाले सभी देवी देवताओं में से एक है। ये माना जाता है कि शनिदेव मनुष्य को उसके पाप और बुरे कर्मों के लिए दंडित करते हैं। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है क्योंकि शनिदेव महाराज मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार दंड प्रदान करते हैं। कहते हैं यदि शनिदेव किसी से क्रोधित हो जाए तो उसका पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। उसे जीवन के हर क्षेत्र में असफलता की प्राप्ति होती है, जैसे धन की कमी होना, बार बार किसी का बीमारी से परेशान होना, बनते बनते काम बिगड़ जाना आदि। ये सभी समस्याएं शनि दोष के कारण ही होती है। वहीं दोस्तों अगर शनिदेव किसी से प्रसन्न हो जाए तो उसे जीवन की हर खुशियां स्वयं शनि महाराज देते हैं और वह व्यक्ति हमेशा तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है। साथ ही हर कार्य में सफलता प्राप्त उसे होने लगती है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि शनिदेव का प्रताप ऐसा है कि वह किसी भी व्यक्ति को पल भर में रंग से राजा और राजा को रंग बना सकते हैं। सूर्य पुत्र शनिदेव मृत्यु लोक के एक ऐसे स्वामी हैं जो समय आने पर मनुष्य को उसके अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार उसे सजा देकर उसे सुधारने के लिए प्रेरित करते हैं। वहीं जब शनिदेव किसी की कुंडली में आकर बैठते हैं उसे जीवन की तमाम प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों लेकिन शनिदेव हमेशा कष्ट नहीं देते। ऐसे मौके भी आते हैं जब शनिदेव लोगों के जीवन में खुशियां भी लाते हैं। वहीं दोस्तों शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय भी बताए गए हैं जिसे करने से कुंडली में लगे भयानक से भयानक शनि दोष भी पल भर में खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप शनि की साढ़े साथी या शनि की गैया से परेशान हो तो आज हम आपको शास्त्रों में लिखा एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे करने से आपको शनि के सभी दोषों से मुक्ति मिल जाएगी और न्याय के देवता शनिदेव की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। दोस्तों उपाय बताने से पहले जान लेते हैं कि जब शनिदेव की साढ़े साथी दैया जीवन में लगती है तो उसका व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिख दें ताकि आपको भी शनिदेव की कृपा दृष्टि मिलती रहे। साढ़े सात साल की साढ़े साथी और ढाई साल की दैया के वक्त शनिदेव जातक को उसके कर्मों का फल देना शुरू करते हैं। काम रुकने लगते हैं, सफलता की राह में शनिदेव आकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को शारीरिक मानसिक प्रताड़ना के साथ साथ धन व्यय आदि समस्याओं से गुजरना पड़ता है जिसके कारण व्यक्ति का आत्मविश्वास खत्म होने लगता है। तो आइए जानते हैं शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय। दोस्तों वैसे तो ये उपाय किसी भी दिन किया जा सकता है, इसको करने के लिए कोई विशेष मुहूर्त को देखना अनिवार्य नहीं है, लेकिन आप फिर भी शनिवार के दिन ये उपाय करते हैं तो आपके लिए अत्यंत लाभदायक होगा क्योंकि दोस्तों शनिदेव को शनिवार का दिन अत्यंत प्रिय है। दोस्तों आप किसी भी दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, अपने दिनचर्या की क्रियाओं से भी निवृत्त हो जाएं। दोस्तों सुबह स्नान आदि करने के बाद आपको काले वस्त्र धारण करने हैं। दोस्तों काले वस्त्र धारण करने के पीछे धारणा है कि शनिदेव को काले वस्त्र अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए दोस्तों आप काले कपड़ों का ही प्रयोग करें। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि आप इस उपाय को किसी भी वार को किसी भी दिन को कर सकते हैं, बस आपको ये उपाय सुबह जल्दी उठकर ही करना है। अब सर्वप्रथम आप अपने नजदीक के किसी भी शनि मंदिर में जाएं और वहाँ जाने के बाद आप सबसे पहले शनिदेव को प्रणाम करें और उसके बाद आप शनिदेव के सामने एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक जला देने के बाद दोस्तों आपको शनिदेव के इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। मंत्र एक बार फिर सुन ले दोस्तों, ओम शम शनिश्चराय नमः। दोस्तों इस मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। जाप पूरा हो जाने के बाद आप शनिदेव को कोई भी काली वस्तु जैसे कि काले उड़द, काले तिल,
इस तरह की कोई भी चीज या लोहे की वस्तु आप उन्हें अर्पित करें। दोस्तों इसके बाद आप अपने घर वापस आ जाएं। घर वापस आ जाने के बाद आप अपने घर में थोड़ा सा दही लेकर के उसमें 4 दाने चीनी के डालें, यानी कि थोड़ा सा चीनी या शक्कर या देसी खांड आप उसमें मिला दें। उसके बाद अपने घर के आसपास ही ज्यादा दूरी पर ना जाकर के नजदीक में ही आपको एक काला कुत्ता ढूंढना है और काले कुत्ते को आपको ये दही पिला देना है। लेकिन दोस्तों यह आपको शाम के समय करना है। घर आ जाने के बाद आपको अपने मुंह हाथ आदि धोकर के अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ से निर्मित हो जाना है और फिर अपने दिनचर्या की क्रियाओं से या जो भी काम धंधे पर आपको जाना है जा सकते हैं। और शाम के समय जब सूरज ढलने वाला हो उस समय आपको काले कुत्ते को अपने घर में जमाया हुआ दही उसमें थोड़ी सी देसी खांड मिला करके आपको उस कुत्ते को पिला देनी है। ऐसा करने से दोस्तों न्यायाधीश शनिदेव महाराज खुश हो जाते हैं और अपनी पूर्ण दया दृष्टि व्यक्ति पर बनाते हैं। इस उपाय को करने के बाद आपकी धीरे धीरे सभी परेशानियां खत्म होने लगेंगी। आपके घर में धन आने लगेगा, धन आने के नए नए मार्ग खुलने लगेंगे, नौकरी में प्रमोशन होने की उम्मीदें बढ़ेंगी, साथ ही साथ आपके व्यवसाय में भी आपको तरक्की मिलेगी। जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हो रहा है या विवाह में अड़चनें आ रही हैं, उनके लिए भी नए रिश्ते आने की संभावनाएं जागृत होंगी, साथ ही साथ रिश्ते टिकने भी लगेंगे। जिन लोगों को प्रेम संबंध है या फिर प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये एक स्वर्णिम अवसर है। जो लोग अपनी कुंडली में शनिदेव को प्रसन्न कर लेते हैं उनके लिए प्रेम विवाह के नए नए मार्ग खुलते हैं और उन्हें ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय शनिदेव या फिर जय बजरंगबली।